हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 18 ऑफ फोर्थ क्लास हिंदी, जीभ हमारी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम जीभ हमारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। जीभ हमारी बड़ी निराली है। जीभ हमारी बड़ी निराली, अद्भुत रंग दिखाने वाले, ठीक है। जो जीभ हमारी होती है वो बहुत बड़ी निराली होती है और अद्भुत रंग दिखाती हैं, ठीक है। बातों का यह जादू जाने खट्टा मीठा स्वाद बखाने, ठीक है। बातों के जादू वाली है और खट्टा मीठा स्वाद बखाने वाली है, ठीक है। अनजाने को मित्र बना दे, काम कठिन शरण में करवा दे, ठीक है। अगर काम कठिन हो तो क्षण में करवा दे, और अनजाने को मित्र बना देती है जीभ, ठीक है। इसको बड़ी हिकमत आती, पत्थर दिल को भी पिघला देती है, ठीक है। यह कितना भी बड़ा पत्थर दिल का हो, जीभ में मिठास होती है, वह पत्थर दिल को भी पिघला देती है। क्षण भर में गुस्सा दिलवा दे, कहो किसी में भी लड़वा भी सकती है और क्षण भर में गुस्सा भी दिलवा सकती है जीभ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े बड़े नाटक करवा दे बड़े बड़े दंगल रचवा देती है। जो वश में इसको कर लेता, काम चतुरता से ही लेता, ठीक है। जो इसको वश में कर लेता है जीव को, वो अपना काम बड़ी चतुरता से कर लेता है। वह जग में गौरव जाता, सबके ही मन को आता है, ठीक है, सबके मन को भाता है। सत्य और मीठा नित बोलो, सबने मन में अमृत घोलो, सबके मन में अमृत घोलो। बन सबके नैनों के तारे, चमको जैसे चांद सितारे, ठीक है। बन सबके नैनों के तारे, चमको जैसे चांद सितारे, ठीक है। चांद सितारे से चमकते हैं। इसके लेखक है अवध किशोर सक्सेना, ठीक है। अवध किशोर सक्सेना इसके लेखक। हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। अद्भुत मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक, ठीक है। अद्भुत मीन्स होता है आश्चर्यजनक। निराली मीन्स होता है अनोखी। निराली को मीन्स होता है अनोखी। हिकमते मीन्स होता है उपाय तरीके, ठीक है, उपाय तरीके। नेक्स्ट है चतुरता। चतुरता मीन्स होता है होशियारी, ठीक है। चतुरता मीन्स होता है होशियारी। जग, जग मीन्स होता है संसार, ठीक है। नेक्स्ट है भाना, मतलब अच्छा लगना। नित मीन्स होता है प्रतिदिन, फिर हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं अनुभव विस्तार। अनुभव विस्तार का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों को मिलाकर लिखिए। हमें जो वर्ण दिए गए हैं उनको मिलाकर राइट करना है, ठीक है। स प्लस व प्लस द, तो यहाँ पर स्वाद ऑलरेडी राइट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम ख प्लस ट प्लस टा, तो इसका मीन्स होता है खट्टा, तो हमने यहाँ पर खट्टा राइट कर दिया गया है। गु प्लस स प्लस सा, इनको मिलाकर बनता है गुस्सा, तो हमने यहाँ पर गुस्सा राइट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं स प्लस त प्लस य, तो इसको मिलाकर बन जाएगा सत्य, तो हमने यहाँ पर सत्य राइट कर दिया है, ठीक है। ख नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। जो बात सत्य है उसके सामने हमें राइट लिखना है, और जो बात गलत है उसके सामने हमें रोंग का क्रॉस करना है, ठीक है। बोली का जादू अद्भुत होता है, तो यह बात सत्य है, तो हमने यहाँ पर राइट टिक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा बोलने वाला कभी गौरव नहीं पाता है, ये बात रोंग है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस का टिक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें सदैव सत्य और मीठा बोलना चाहिए, ये बात सत्य है, क्योंकि हमें सदैव सत्य और मीठा बोलना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट टिक कर दिया है। नेक्स्ट कहते हैं, कड़वे बोल सबको अच्छे लगते हैं, तो रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए
हम खट्टा मीठा स्वाद किससे जान पाते हैं? हम खट्टा मीठा स्वाद किससे जान पाते हैं? तो राइट आंसर इसका जाएगा जीभ से। हम खट्टा मीठा स्वाद जीभ से जान पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीभ को निराली क्यों कहा गया है? जीभ को निराली क्यों कहा गया है? इसका आंसर आएगा अद्भुत रंग दिखाने वाली है जीभ, इसलिए जीभ को निराली कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर पे लिखिए, जीभ पत्थर दिल को कैसे पिघला देती है? जीभ पत्थर दिल को कैसे पिघला देते हैं? इसका आंसर आ जाएगा जीभ को बड़ी हिकमतें आती हैं, इसलिए जीभ को बड़ी हिकमतें आती हैं, इसलिए पत्थर दिल को पिघला देती है। ठीक है,